नजीब, अफसोस मुझे इस हद तक है कि ना सिर्फ मैं, मेरी टीम, बल्कि पूरा पाकिस्तान हो गया। देखिए ना, हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को और टीम को पाकिस्तान ले आए। कोरोना वायरस से लड़ना हमारा, हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग पीसीबी को कहते कहते थक गए कि इसकी एसओपी का कुछ करें आप। अब यकीन करेंगे कि मैं बायो बबल में गया इसीलिए चेक करने के लिए कि जो मेरे प्लेयर्स, मेरी जो मैनेजमेंट शिकायत करती है वो सच्ची है कि नहीं। तो मैंने पूरा आइसोलेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैं गया बायो बबल में। और 3 दिन की आइसोलेशन किसी भी किताब में एग्जैक्टली जी 7 दिन की मिनिमम आइसोलेशन होती है। 3 दिन की आइसोलेशन में, क्योंकि ये जो बीमारी है ये इंफेक्ट होती है 4th दिन के बाद, 5 दिन के बाद सिम्पटम्स आते हैं उसके। मैंने फिर भी 3 दिन का आइसोलेशन किया एज पर पीसीबी प्रोटोकॉल, और मैं टीम के साथ फिर बायो बबल में अंदर गया, और फिर मैंने अपना पूरा वो खत्म किया अपना, और फिर बायो बबल से बाहर निकल आया था। उसके बाद मेरी टीम से इंटरेक्शन हुई नहीं है सिवाय फोन के ऊपर, ठीक है ना। इतने एसओपीज के अंदर लैप्स थे, कितना पैसा खर्च होता अगर ये पूरी मोबिलिटी को ये लोग जो है ना बुक कर लेते हैं, कितना पैसा खर्च होता। आप नीचे उतरे, शादियां हो रही हैं, नॉर्मल पब्लिक घूम रही है, आप जो किचन है उनका, वो किचन इज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द पीसीबी प्लेयर, वो सबके लिए किचन है। शादी ब्याह के लिए किचन है, सबके लिए किचन है। अब कैसे एसओपीज को मेंटेन करेंगे? हम पैसे खर्च करके तुर्की जा सकते हैं, तो व्हाई कांट वी डू द सेम फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल सही। मुझे गुस्सा इस बात का है कि 4 या 5 लोगों के हाथ में पीसीबी है और ये लोग इतनी सी चीज संभाल नहीं पाए।